बेटा लो पानी पियो। क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रही हो? राहुल का दुख मुझसे देखा नहीं कह रही। आखिर क्यों आप लोगों ने राहुल और तनु को दूर किया? तो तुम्हारी बात हो गई राहुल से? राहुल ने तुमसे अपने दिल की बात बता दी बेटा? क्या तुम दोनों की दोस्ती हो गई? नहीं यार, मेरी और राहुल की कोई दोस्ती नहीं हुई। अरे उसे तो पता ही नहीं कि उसके सामने कौन खड़ा, उसे तो किसी चीज का होश ही नहीं है। यूं ही बड़बड़ाई जा रहा था और इसी हालत में उसने सारा कुछ बयां कर दिया। बोलिए राज जी, आप लोगों ने क्यों राहुल को तनु से दूर किया? वो टूट चुका है यार, आपके बेटे का दर्द उसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई। हमसे गलती हो गई बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा राहुल दिन रात उस लड़की के लिए तड़पता है और मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रही। मैंने राहुल के साथ साथ उस लड़की का भी दिल दुखाया, अभी तो उसकी हाय लग गई है मेरे बच्चे को, इसीलिए उसकी ये हालत है। नहीं आंटी, अपने आप को दोष देकर मत कोसिए। सिर्फ राहुल ने तनु से प्यार नहीं किया, तनु ने भी तो राहुल से प्यार किया होगा ना। और इतना प्यार करने वाली लड़की कभी भी बददुआ नहीं दे सकती। मेरा विश्वास कीजिए आंटी, तनु राहुल का कभी बुरा नहीं चाह सकती, ना राहुल के परिवार का बुरा सोच सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता आंटी। सच बेटा। हाँ, अपने दिल से ये सारा बोझ हटा दीजिए। राहुल आपको ऐसे देखेगा, उसकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। अपने आपको संभाली आंटी। मॉर्निंग चाची। गुड मॉर्निंग उदय। क्या बात है उदय, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं चाची, मैं ठीक हूँ। शक्ल से ठीक नहीं लग रहे। नहीं वो चाची क्या है ना, कल रात को पार्टी से आने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाई। और कोई बात नहीं, थोड़ी देर और सो जाओ ना। अगर अच्छे से सोओगे नहीं तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। नहीं नहीं चाची, अभी मैं थोड़ी देर में फ्रेश हो जाऊंगा। और वैसे भी डैड ने अगर सुबह सुबह मुझे सोते हुए देखा तो बहुत डांट पड़ेगी। अच्छा चाची, यू कैरी ऑन। चाचू
प्लीज आंसर द फोन, अब मुझे आपकी टेंशन हो रही है, आप कब तक वहीं बैठे रहेंगे? देखो ना, तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हो जाता हूँ। मुझे अकेला छोड़ के मत जाया करो ना तनु, मत जाया करो। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ तनु। राहुल, मुझे छोड़ के मत जाया करो तनु। तुम्हारे बिना मैं बिखर रहा हूँ, मर रहा हूँ मैं तनु। तुम्हारी जुदाई को मैंने सेना सीख लिया था राहुल, तुम्हारी तकलीफ नहीं सह पाऊंगी। मैं इस तरह तड़पता हुआ छोड़ नहीं सकती। मैं राहुल, दिल तो करता है कि दौड़ कर आऊं और तुम्हारे गले लग जाऊं, लेकिन मैं अपनी बहन की नफरत का सामना कैसे करूं राहुल? तुम बताओ मैं क्या करूं राहुल? तनु यहां आ ही नहीं सकती है। मैंने सपना देखा है, जरूर सपना ही देखा है मैंने। नहीं, वो सपना था तो फिर ये स्कार्फ यहाँ पे कैसे आया? राहुल, माँ, राहुल क्या हुआ बेटा? तनु आई थी कल, माँ तनु आई थी मुझसे मिलने। तनु आई थी कल यहाँ पे। तनु? हाँ माँ, तनु आई थी कल। माँ, कल रात को जब मैं पानी लेने के लिए किचन में गया था ना, तो तनु हॉल में ना पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, तो मैंने उसे पकड़ लिया। माँ, मैंने उससे माफी भी मांगी। उसे मैंने कहा कि उसे धोखा देने के लिए वो मुझे माफ कर दे। माँ, माँ वो बहुत रो रही थी। फिर मैं डर गया कि कहीं वो फिर से मुझे छोड़ के ना चली जाए, तो फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे यहाँ इधर यहाँ रूम में लेके आया और उसे यहाँ बैठाया। माँ, उसके बाद मैंने ना उसके पर्स में से ये स्कार्फ निकाला माँ, और फिर उसका हाथ और अपना हाथ ऐसे बांध लिया ताकि फिर वो मुझे कभी छोड़ के ना जाए। माँ, ठीक है, वो फिर मुझे छोड़ के चली गई। माँ, फिर छोड़ के चली गई। तो ये क्या बोल रहा है बेटा? तनु कैसे आ सकते हैं यहाँ? ये सब तेरा ख्याल है। तू रात को होश में कहाँ होता है? ख्वाब और सच्चाई में तुझे फर्क नजर नहीं आ रहा है। अपने आप को संभाल। नौसा साहब, मेरी नंबर वन ने मुझे धोखा दे दिया है। पैसेंजर लेडीज है, क्या साहब आप उनको आगे टैक्सी स्टैंड तक ड्रॉप कर सकते हैं? ठीक है, उन्हें बुला लीजिए। आर यू श्योर आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? तनु, आपको मेरा नाम कैसे पता है?